खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साइक्लोन फोनी कल ओडिशा के तट पर दस्तक देगा, जिसकी स्पीड 175 से 205 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की बताई जा रही है। और इस वक्त हम ओडिशा के पुरी में मौजूद है, और जहां पर समंदर आप देख सकते हैं कि कितना रफ सी जो है वो देखा जा रहा है। यही कारण है कि एहतियातन के तौर पर मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है, और साथ ही जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए दो दिन पहले गए हुए थे उन्हें भी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी की टीम्स ने जो है बीच समंदर से अलर्ट दिया, उसके बाद उन्हें समुद्री तट पर आने की के आदेश दिए गए। और साथ ही जहां तक पूरे सेफ्टी मेजर्स की बात है तो प्रशासन जो है हर कदम उठा रहा है। तटों पर खासतौर पर जितने भी जो लो लाइंग एरियाज थे वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। 8 लाख लोगों को जो है एक सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि 1999 के बाद ओडिशा में बहुत ही जो है सीवियर साइक्लोन वो देखा जाएगा। 1999 में हजारों लोगों ने ओडिशा में अपनी जान गंवाई थी साइक्लोन के कारण। उसके बाद सबसे भयानक साइक्लोन जो है वो ये बताया जा रहा है। इससे पहले फैलिन भी था, आंध्र प्रदेश में हुदहुद देखा था हमने, और साथ ही साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमने वर्धा साइक्लोन भी देखा था। लेकिन ये जो साइक्लोन है इसकी स्पीड 205 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की विंड जो है वो बताई जा रही है, और यही कारण है कि पूरी तरह से एहतियातन के तौर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर की टीम्स जो है डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि जल्द से जल्द जो है जितने भी लो लाइंग एरिया से जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और फिलहाल आप तस्वीरें जैसे कि देख रहे हैं काफी रफ सी है, और यही कारण है कि मछुआरों को भी मछली पकड़ने के लिए समंदर में ना जाने को कहा गया है। लोगों को लगातार यहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, और जो टूरिस्ट है पुरी में उन्हें भी प्रशासन की ओर से ऑर्डर्स दिए गए थे कि वे जल्द से जल्द पुरी से दूर चले जाएं, क्योंकि बहुत ही सीवियर साइक्लोन जो है वो कल पुरी में हिट करेगा। कैमरा पर्सन है वेंकटेशन के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज पुरी ओडिशा।